Welcome back to my channel. My name is Sabna and I make videos related to fashion. So if you're watching this face for the first time, I request you to follow me on Instagram because I post a lot of fashion related content over there as well. So this is my Instagram handle, as you can see it. So aaj ka video hai tumhare summer essentials ko winter essentials mein thoda sa convert karne ki koshish kari hai maine. मैंने 5 लोग पुट टुगेदर करे हैं, वो भी एक स्लीवलेस कुर्ती को लेकर, एक नॉर्मल शर्ट को लेकर. देन वी हैव अ वाइट टी शर्ट विच इज़ वेरी बेसिक थिंग फॉर समर एसेंशियल्स. देन वी हैव अ मिडी ड्रेस विच यू कॉल इट. एंड टोटल मतलब 5 चीज़ें हैं और इनको मैंने बहुत विंटर अप्रोप्रिएट करके थोड़ा सा स्टाइल किया है. सो आई होप यू लाइक इट. सिर्फ इन केस यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और ठंड बहुत बढ़ गई है तो प्लीज़ अपने चादरों को, कंबलों को, रजाइयों को तान के आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट आउटफिट के लिए मैंने ली है ये मैक्सी ड्रेस जो बहुत प्रिंटेड है और सिर्फ 200 रुपीज़ की मैंने किसी नॉर्मल स्टोर से उठाई थी ये. और इसके साथ मैंने लेगिंग्स और हाईनेक और ऊपर से एक हैट और बूट पेयरअप किए हैं. आई थिंक ये इसमें आपको बहुत कम ठंड लगेगी और अगर और भी ज़्यादा ठंड लगे ना तो यू कैन जस्ट पुल अप और ट्रेंच कोट, जो भी कोई पॉपिंग कलर. यहाँ पर मैंने ग्रे कलर का ट्रेंच कोट लिया है और ये पूरा आउटफिट बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत ही कोजी आउटफिट है. इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी. एंड ये आई थिंक ये जो न्यूड कलर की हैट है ये पूरे आउटफिट को और भी ज़्यादा पॉपिंग और भी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर रहा है. दूसरा आउटफिट मैंने ये स्नीकर्स लिए हैं जिसमें थोड़ी नियॉन डिटेल्स है और डेनिम जैकेट और हाईनेक एक वाइट कलर के हाईनेक के साथ पेयरअप किए हैं. एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज इसमें जॉगर्स हैं और जॉगर्स वैसे भी बहुत ही कम्फी तरीके से कैरी किए जा सकते हैं. आप अंदर भी बहुत कुछ पहन सकते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर एक स्टॉकिंग्स पहनी हुई है ताकि मुझे ठंड ना लगे. और इसके साथ मैंने एक वाइट कलर का बैग लिया है जिसमें थोड़ी ब्लू और वाइट में डिटेल है और ये बैग मैंने सरोजनी से लिया था. आई थिंक ये पूरा ही आउटफिट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ऐसा है कि आप अपने कॉलेज वगैरह और किसी भी फ्रेंड वगैरह से मिलना हो तो ईजिली पहन के जा सकते हो. इंडियन वेयर मुझे लगता है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडररेटेड हो जाता है. ये कुर्ती है जो मैंने अपनी मम्मी की साड़ी की बनवाई थी जिसको मैं समर्स और विंटर्स में दोनों में पहनती हूँ. मैंने इसको हाईनेक के साथ और मैंने लेगिंग्स की जगह पे फ्लेयर थोड़े ट्राउजर्स पहने हैं. फ्लेयर ट्राउजर इसलिए क्योंकि आप इसके अंडर भी लेगिंग पहन सकते हो. एंड देन मैंने इसको एक बेज कलर के ट्रेंच कोट के साथ समअप किया है. सनग्लासेस आपको पूरे होल वीडियो में सनग्लासेस मिलेंगे बिकॉज आई लव सनग्लासेस एंड आई थिंक विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सनग्लासेस एंड एक्सेसरीज. और इसके साथ मैंने टोरिंग हील पहनी है जो पूरे लुक को बहुत समअप कर रही है. नेक्स्ट लुक जो मैंने क्रिएट किया है ये मैंने वाइट टी शर्ट को लेकर रिक्रिएट किया है. मैंने दो टी शर्ट्स पहने, लाइक एक फुल स्लीव और एक हाफ स्लीव. उसके साथ मैंने ये लोफर्स पहने हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके साथ मैंने एक वाइन कलर का ट्रेंच कोट और वाइन कलर का मेरे पास एक ट्राउज़र था वो पहना हुआ है. और इस लुक को और भी ज़्यादा पॉपिंग करने के लिए, पॉप कलर देने के लिए मैंने ये कलरफुल स्कार्फ डाला है जो आई थिंक पूरे लुक पर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एक्सेसरीज़ के लिए मैंने एक बैग यूज़ किया है और मैंने अपने ग्लासेस यूज़ किए हैं जिसका फ्रेम गोल्डन है और थोड़े से ग्लव्स लिए हैं. आई थिंक ये पूरा ही लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा लाइक वाइब है इस पूरे लुक की, लाइक हैप्पी हैप्पी वाइब. लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट आउटफिट विच आई हैव क्रिएटेड, आई हैव टक्ड माय शर्ट अक्रॉस माय जेगिंग्स एंड जस्ट टक्ड इट कम्प्लीटली इनसाइड. पेयर सम शूज एंड दिस हैट विच आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम H&M ब्लैक फ्राइडे सेल. एंड दीज शूज़ आर वन ऑफ माई फेवरेट शूज़. आई थिंक द होल आउटफिट लुक्स रियली कूल एंड इट हैज़ अ रियली गुड वाइब. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई लास्ट फेवरेट आउटफिट आई वुड से. Guys, thank you for watching. I hope you like the video. So if you guys like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you next time. Or koi aur request hai na kisi video ko related lekar, to please description box mein mention kar dena. Mujhe bahut acha lagega aur usse related video banane mein. And thank you for watching.